क्या तो तपती धुपेरी और क्या अंधेरी रात। लॉकडाउन में अपनी गोदी में छोटे छोटे मासूम व पीठ पर सामानों को लादे हुए हजारों किलोमीटर के सफर पे निकले गरीब प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को सुनकर हर कोई विचलित तो उठा, आंख नम हो गई। मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर से कटनी मध्य प्रदेश से भी आगे के लिए लगभग 1000 किलोमीटर पैदल सफर पर निकले प्रवासी मजदूर परिवार बूंदी तक पहुंचा। देर रात बूंदी कांग्रेस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवासी सहायता केंद्र के प्रभारी चरमेश शर्मा, अंकित बोलीवाल, केशवपुरी, विष्णु कुमावत, शुभम गोड़ पहुंचे और मजदूर परिवार को बूंदी के लंका गेट रेन बसेरे पर पहुंचाकर ठहराया। मजदूर परिवार के अशोक ने बताया कि जयपुर में हम मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में रोजगार चला गया, गरीबी के कारण घर जाने का साधन नहीं कर सके और पैदल ही चल पड़े। हमारे लिए तो गरीबी ही बड़ी महामारी साबित हो गई। पीड़ित परिवार में अशोक, रंजीत, गुड्डू, ज्योति, मालती व बच्चे शिवम, मनीष व विशेष शामिल है। प्रवासी मजदूर के साथ 3 मासूम बच्चे भी करीब 210 किलोमीटर पैदल चलकर बूंदी आए। जब वह रेन बसेरे में पहुंचे तो जमीन पर बैठते ही उनकी आंख लग गई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट खबरें, ब्रेकिंग न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल खबर पंच को सब्सक्राइब करें।